Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hasan Akbar and I am a clinical physiotherapist by profession. क्या आप भी mental stress यानी ज़हनी तनाव का शिकार हैं और इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रिसर्च बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिनको अडॉप्ट करके या उन पे अमल करके आप मेंटल स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव को कम कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने की वजह से आपके जिस्म में स्ट्रेस हॉर्मोन्स लाइक एड्रेनालिन एंड कोर्टिसोल इनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है एंड अल्टीमेटली स्ट्रेस कम हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने की वजह से आपके जिस्म में मूड एलिवेटर्स यानी मूड को इन्हांस करने वाले केमिकल्स लाइक एंडोर्फिन्स इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और आपका मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। एक्सरसाइज एज अ नेचुरल पेन किलर भी काम करती है। आप एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग या स्विमिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, एक्सपोजर टू सनलाइट यानी सन बाथ लेना यानी एक्सपोजर टू सूरज की शुआओं में रहना कुछ देर के लिए। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप डेली बेसिस पे 10 टू 15 मिनट्स के लिए अपने आप को सूरज की शुआओं की तरफ एक्सपोज करते हैं तो सीरोटोनिन का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है जो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में हेल्पफुल साबित होता है। नंबर 3, स्लीप एंड स्ट्रेस रिलेशनशिप। स्लीप स्ट्रेस रिलेशनशिप टू वे रिलेशनशिप है। अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स इनअप्रोप्रिएट हैं तो आप मेंटल स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है और ये रिसर्च बेस्ड स्टडी भी है कि आप रेगुलर बेसिस पे सेम स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करेंगे। नंबर 4, डीप ब्रीथिंग। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो इसकी वजह से कोर्टिसोल का लेवल बॉडी में रिड्यूस होना शुरू हो जाता है जो कि स्ट्रेस को कम कर देता है। अगर हम डीप ब्रीथिंग की एक फॉर्म की बात करें तो वो बेली ब्रीथिंग है जो कि आप सिटिंग पोजीशन में या लाइंग पोजीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। बेली ब्रीथिंग के लिए आपको एक हाथ अपनी बेली पे यानी अपने पेट पे रखना है। आपने सांस अंदर की तरफ लेना है नाक के जरिए यानी नोज के थ्रू आप सांस को अंदर लेके जाएंगे और जो हाथ आपने पेट पे रखा है उसके थ्रू आप अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड को फील करेंगे। देन आप सांस को बाहर निकालेंगे यानी एक्सहेल करेंगे एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड को फील करेंगे। ये अमल अगर आप स्ट्रेस की कंडीशन में 5 to 6 टाइम्स करते हैं तो अल्टीमेटली आपका मेंटल स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव कम हो सकता है। नंबर 5, कंजप्शन ऑफ विटामिन सी। रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन सी ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए और कोर्टिसोल लेवल को बॉडी में कम करने के लिए मददगार साबित होता है। इंसानी जिस्म में विटामिन सी की प्रोडक्शन नहीं होती इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन सी को कंज्यूम करें। विटामिन सी आप इन द फॉर्म ऑफ गावा यानी अमरूद की शक्ल में, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज या आप विटामिन सी के लिए टोमेटो यानी टमाटर भी यूज कर सकते हैं।